आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई में भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने भाजपा उत्तेजित कार्यकर्ता नवाब मलिक से बेहद खफा हैं। गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का पुतला फूंका। तनाव बढ़ता देख मुंबई पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची और मुंबई भाजपा के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोधा, वरिष्ठ भाजपा नेता राज पुरोहित समेत कई आला भाजपा नेताओं को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के पहले भाजपा के मुंबई अध्यक्ष मंगल प्रभात लोधा ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। भाजपा के आला नेता देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ नवाब मलिक के आरोपों के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी समझी जा सकती है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि नवाब मलिक और भाजपा नेताओं के बीच पिछले कई दिनों से रोजाना जारी आरोप प्रत्यारोपों का दौर आखिर कब थमेगा। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। तो अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए और यदि वो नहीं निकालते हैं तो महाराष्ट्र के गवर्नर साहब को, और नहीं तो जो जुडिशरी हर चीज में इंटरफेयर करती है उस जुडिशरी को इंटरफेयर करके जो प्रूव हो चुका है कि उन्होंने एक आतंकवादी के साथ में व्यवहार किया, न केवल व्यवहार किया बल्कि गलत तरीके से उनको फायदा पहुंचाया, करोड़ों रुपए की जीन लाखों में ली, बाकी पैसा कैसे दिया गया, इसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो सकती है इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं मंत्री रहते हुए, इसलिए उनको तुरंत मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। सर,